हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्य मैं दुनिया फ्रेंड्स लियो का निकाल रही हूँ। कपल्स लव रीडिंग है। आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जब भी देखेंगे अपने अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें। ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके और आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, कैसा क्या है, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स। इनकेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है लव लाइफ में तो आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, वो वर्क करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सारे कार्ड्स आ जाते हैं लियो, फिर मैं डिस्क्राइब करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दुख झेला है लियो आपने, बहुत दर्द है सीने में। आप उससे बाहर निकलने के सोच रहे हो, बहुत दुखी है, अकेलापन फील कर रहे हो आप लियो, बहुत अकेलापन फील करते हो आप। लेकिन मुझे मोस्टली का लग रहा है जो रिश्ते में जुड़े थे और टूट चुका है आप लोग मूव करने वाले हो। अब आपको ये फील हो रहा है कि वो रिश्ता मेरा सही नहीं था इसलिए मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, और बहुत मजबूती से बहुत स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दिल पे जो कहते हैं ना पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रखा हुआ है आपने। कॉलेज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ और भी है हुआ है, कुछ ना कुछ दुख बहुत झेला है आपने, अकेलापन फील किया है आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है। जो अकेलापन फील किया ना तो अकेले में बहुत सोचते हो आप, ऐसा मुझे लग रहा है। पास्ट के कुछ कर्मास थे जो इसलिए मैं ये स्पेशली कहूँगी लियो आपके लिए कि आपने जितना समय, उनके लिए है ये चीज़, जितना समय अपने पार्टनर के साथ बिताया और मूव कर चुके हो तो ये समझ लें कि पास्ट के कुछ कर्मास थे जो उतने दिन तक ही आपको रहना था उनके साथ। मुझे मोस्टली का ऐसा लग रहा है कि आप लोग मूव कर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी जिस वजह से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर नज़र रखा हुआ था और वो आपको अलग करना चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्योंकि आ रहा है, अब आपको ये समझ में आ गया कि रिश्ते में मुझे रहना नहीं है, शायद ये इतने दिन के लिए ही ये रिश्ता था, ऐसा है कुछ। और बहुत कोई तो ऐसे हैं जो अच्छा खासा एज हो चुका है उनका, ठीक है, एज हो चुका है और वो अकेलापन फील कर पार्टनर के साथ। और किसी किसी का मुझे लग रहा है कुछ एज डिफरेंसेस भी हैं, किसी किसी का है ये। और जो मूव कर चुके हैं और मूव करना चाह रहे हैं तो ये समझ लें कि पास्ट के कुछ कर्मास थे जिस वजह से आप लोग जुड़े हो, कुछ समय के लिए जुड़े थे, और जो रिश्ता किसी ने आके तोड़ दिया आपका, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है वो, तो ये समझ लें कि वो आपका एक फेज था। देखो कम्प्लीशन का कार्ड आया है, एक फेज था आपका वो, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ का है, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है आपका और एक नई शुरुआत आप फिर से करोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आप मास्टर हो रहा है, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगा है, ठीक है। और कोई ना थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लियो लग रहा है, कुछ ना कुछ किसी ने आपको बहुत, यानी कोई ना कोई पीछे पड़ गया था, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपको। और किसी का डाइवोर्स केस का कुछ चल रहा है तो आपकी तरफ जजमेंट आ रही है, ठीक है, ठीक है लियो। और लेकिन आप ना जो पास्ट के कुछ, देखो वॉकिंग अवे, आप बाहर निकल रहे हो उस किसी रिश्ते में, ऐसे रिश्ता जिसने आपको बहुत दर्द दिया, उस रिश्ते से बाहर आ रहे, ठीक है। दूसरा, जो वेट कर रहे हैं और सोच रहे हो और टच में आ चुके हैं, उनके लिए मैं कहूँगी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हैंग्ड हैं, बहुत कोई ऐसे हैं जो मैरिज हो चुकी थी, कुछ अनबन हुई, अलग हो गए, उन्हें आप गॉड को बहुत प्रे कर रहे हो और अटके पड़े हो, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ोगे,
ठीक है, वो आ रहे हैं ऐसा फील हो रहा है। और जो एक जो नए रिश्ते में आप, कोई कोई ऐसे हैं जो नए रिश्ते में बंध रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नए रिश्ते में बंध रहे हो और लेकिन डर रहे हो, लेकिन डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं। तो क्यों डर रहे हो, क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप डर रहे हो। तो एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए ज़रूर कि क्यों डर इतना क्यों रहे हो लियो। आप डरना नहीं है, एक फेज था आपका, कुछ कुछ तो था, जो परेशानियां थी उससे बाहर तो आ गए। और जजमेंट आपकी तरफ आ रही है, अगर किसी का कुछ चल रहा था तो उनके लिए मैं कहूँगी डरे नहीं, ठीक है। जो डर रहे हो ना, कुछ तो कुछ ना हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है बहुत, लास्ट 9 मंथ से तो बहुत परेशान हो रहे हो, 5 मंथ से और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा फ़ोन पे इस पे, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो आप डरे नहीं, अगर आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या कुछ भी ऐसा है तो उसमें ज़रूर उसको कर लें, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे एक नया सनराइज़ होगा और आपके गॉड आपको दिखा रहे हैं वो चीज़, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब आपका जिस भी रिश्ते में जुड़ोगे वो सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। और मोस्टली का मुझे ऐसा लग रहा है हैंग्ड बहुत है, परेशान हो रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, ऐसा भी फील कर रहे हो आप। तो ये समझ लें कि गॉड जो है ना, स्टार का कार्ड आया, इसलिए मैं कहूँगी गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के समझ के रखा हुआ है। पास्ट के कुछ कर्मास थे जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, और एक कंप्लीट हो रहा है आपका सर्कल, समझ गए। पास्ट में जो भी आपने झेला, जो भी दर्द सहा, जो भी हुआ, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। यानी लाइफ, लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक्टिव हो रही है, जुड़ रही है और फ्रूटफुल हो रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप, यानी बहुत कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, इतना इतना एलोन, देखो इतना अकेलापन फील करते हो आप कि आपको लगता है, लेकिन अकेले में ना आप बहुत कुछ जो भी सोचते हो ना उसका आंसर्स आपके पास सही मिलता है, ठीक है। और वो आंसर्स आपके गॉड आपको देते हैं, क्योंकि उसके टेंपल पाथ का आया था सेकंड में, इसलिए मैं कहूँगी कि आप अकेले में जब सोचते हो ना क्या होगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो सारे इंडिकेशंस आपके गॉड देते हैं, आप उस पर वर्क ज़रूर कर लें जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो। फ्रेंड्स, थैंक यू।